भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। ये महीना 15 अगस्त को पूर्णिमा के साथ खत्म होगा। वैसे तो सावन का ये पूरा महीना ही शिव की आराधना और अभिषेक के लिए शुभ है, लेकिन इस माह में कुछ ऐसे भी योग बन रहे हैं जो शिव की आराधना के लिए सबसे ज़्यादा ही उत्तम है। इन दिन शुभ मुहूर्त में यदि शिव पूजा, कावड़ का जल, रुद्राभिषेक आदि किया जाए तो और भी अधिक शुभदायी फल प्राप्त होता है। सावन महीने में सोमवार का काफ़ी महत्व है और इस साल सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ रहा है। साथ ही इस दिन संयोग से मरुस्थलीय नाग पंचमी है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से नाग देव प्रसन्न रहते हैं और संतान सुख में बाधा नहीं आती। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष या काल सर्प योग है उन्हें इस पूजन से तत्क्षण शांति मिलती है। सावन महीने का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को आ रहा है। ये कदम शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस दिन सावन माह का दूसरा सोमवार रहने के साथ ही सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा, जो इस दिन की खासियत को और भी ज़्यादा कर देगा। इस दिन के रुद्राभिषेक से मानसिक अशांति, ग्रह कलेश और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आरोग्य की दृष्टि से किया गया अनुष्ठान विशेष शुभता प्रदान करने वाला रहेगा। सावन महीने का तीसरा सोमवार 5 अगस्त में रहेगा, जो अगस्त महीने का पहला सोमवार होगा। सावन का ये तीसरा सोमवार अद्भुत मुहूर्त में आ रहा है। ये दिन श्रावण के श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। इस दिन पूर्णा तिथि है। सोम का नक्षत्र हस्त भी विद्यमान है और सिद्धि योग के साथ साथ वर्ष की श्रेष्ठ पंचमी यानी नाग पंचमी भी है। इस दिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन माह का चौथा और अंतिम सोमवार 12 अगस्त को है। इस दिन भी सोम प्रदोष व्रत है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिव पार्वती साथ साथ पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इस दिन रुद्राभिषेक करने से सारे मनोरथ सफल होंगे, साथ ही आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। सावन माह में 1 अगस्त को दोपहर 12:12 तक गुरु पुष्य योग बन रहा है। ये मुहूर्त जन्म कुंडली के ग्रह दोषों को दूर करने के लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। इस योग में शिव की आराधना कर आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। 30 जुलाई को शिवरात्रि भी है। इस दिन भगवान शिव पर जलाभिषेक कर अभिष्ट सिद्धि की जा सकती है। इसके अलावा भी सावन माह में 23 जुलाई को दोपहर 1:14 तक, 25 जुलाई को शाम 5:39 तक, 29 जुलाई को शाम 6:22 तक, 4 अगस्त के दिन सूर्योदय से लेकर 5 अगस्त के सूर्योदय तक, 8 अगस्त की रात्रि 9:28 से 9 अगस्त की रात्रि 9:58 तक और 11 अगस्त के सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि 12:45 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जिनमें किए गए कार्य जप तप पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं होते। इस मुहूर्त में किए गए कार्य और मांगी गई मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।